What's up guys, कैसे आप सब लोग? आशा करता हूँ बढ़िया होंगे। सो मैं हूँ आपका आज का होस्ट विख्यात शांडिल्या। नाम तो सुना ही होगा, मजाक कर रहा हूँ यार। तो राइट नाउ यू आर वॉचिंग प्रथमेश भट्ट 7288। तो भाई का चैनल है, भाई हमारी फैमिली का हिस्सा है, तो मैंने कहा चलो भाई के चैनल पे चलते हैं। तो यार भाई बहुत बढ़िया स्टोरीज बनाता है, बहुत बढ़िया ट्रैवल ब्लॉग्स कर रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है। सो इसको सपोर्ट करो, बिकॉज सपोर्ट बहुत जरूरी होता है यार। और आप सब लोग तो फैमिली हो, तो फैमिली का सपोर्ट बहुत चाहिए होता है। तो भाई के चैनल को सपोर्ट करो, लाइक करो, शेयर करो, बस यही छोटा सा मैसेज देने आया था। मैंने सोचा भाई के चैनल पर जाके देते हैं, सो जाते जाते वही बोलूंगा। ऑलवेज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली, ऑलवेज वी अ गुड प्रोटेक्टिव गियर वाइल राइडिंग, एंड फैसन योर सीट बेल्ट वाइल ड्राइविंग टू #, रिस्पेक्ट लाइफ। बाय द वे आ रहा है ना, चलो मिलते भाई, आना भाई की चैनल पे भी। हाय फाइव व्यूअर, मी तुमसा प्रथमेश फ्रॉम ठाणे, यू वॉचिंग मी यूट्यूब चैनल प्रथमेश भार 7288। आज इस एचजे कैंप 4000 वाईफाई इसका रिव्यू देखने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं रिव्यू। ये एचजे कैंप 4000 वाईफाई ये मेरा फर्स्ट मोटो व्लॉगिंग कैमरा है। चीप अमाउंट में ये एचजे कैंप 4000 वाईफाई, इसकी ऑडियो वीडियो क्वालिटी सिंपली क्लीन एंड क्लियर। इस एचजे कैंप 4000 वाईफाई के साथ मैंने कुछ मोटो व्लॉग्स बनाए है, तो चलिए देख लेते उसके फुटेज। फर्स्ट, ये मेरा नाइट मोटो व्लॉग है और यहाँ पर मैंने पहली बार 100 का स्पीड क्रॉस किया। अगेन वी आर डाउन द स्पीड, अगेन अप द स्पीड, वी आर 90, अगेन 95। सेकेंड, ये मेरा डे मोटो व्लॉग है और यहाँ पर मेरा नॉर्मल स्पीड 80 के दरमियान था। थर्ड, ये मेरा कोल्हापुर रिटर्न मोटो व्लॉग। अचानक बारिश आने के बाद भी मेरे एवेंजर का स्पीड 80 था और उस समय ये पता चला कि ये एचजे कैंप 4000 वाईफाई पानी के अंदर भी काम करता है। व्यूअर्स, लेट्स रॉक एंड राइड। अभी हम लोग 80 के स्पीड पर पहुंचने वाले हैं। तो व्यूअर्स, आपको ये राइड किस प्रकार लग रही है ये कमेंट के नीचे मेंशन कर देना चाहिए। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल पीस। आपने तीनों फुटेज देख लिया और तीनों फुटेज के दरमियान मेरी एवेंजर स्पीड में थी और बारिश के समय भी मेरी एवेंजर स्पीड में थी और ऑडियो वीडियो क्वालिटी सही तरीके से रिकॉर्ड किया। अब बात करते हैं बैटरी के बारे में। ये बैटरी 900 mAh पावर की है और नॉर्मल कैमरा मोड पर यह बैटरी 61 मिनट का बैटरी बैकअप देती है। वाईफाई कैमरा मोड के ऊपर ये बैटरी 43 मिनट का बैटरी बैकअप देती है। अब बात करते हैं मेमोरी कार्ड के बारे में। इस कैमरा के अंदर मैंने 16GB से 128GB के दरमियान मेमोरी कार्ड यूज की है, लेकिन एक बात गौर करना चाहिए कि यहाँ पर आपको 10x के दरमियान मेमोरी कार्ड का स्पीड होना बहुत जरूरी है। इस कैमरा को मैं 10 में से 7 अंक दूंगा। इस वीडियो में बस इतना ही। ये रिव्यू अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर देना और सब्सक्राइब के बाजू में जो घंटा है उसको बजा देना फॉर न्यू अपडेट। धन्यवाद, प्रणाम।